खरी बाणी तक गरम इसी के साथ बिल्कुल आकाश बुद्धि के द्वारा ये मैच संचालित किए जा रहे हैं और इस समय फुर्थ ऑफिसियल में फुर्थ रेफरी का किरदार निभाएंगे मिस्टर नरपति बुरवा जी और किया जाता है सन्नाटक लाइन से बाहर हाथ रुकने के बाद अच्छी रिसीविंग के साथ अपने साथ चार नंबर के लिए चार नंबर ने गेंद को पूरी तरीके से ड्रिबलिंग करने की कोशिश लेकिन असफल और गेंद सड़क के बाद 11 नंबर अपने कंठों में आने के परिणाम से समय देखकर फ्रूट की टीम करा रही क्योंकि गेंद को थोड़ा निकालने में सक्षम हुए हैं दूसरा से बार आउट शुरू करने का मौका इस समय विशाखा के ठीक प्लेयरों को और इस समय गेंद खाटी पास दो नंबर और ऊंचाई पर दिए हैं गेंद के ठीक प्लेयरों को ये बहुत ही बड़ा मैच है जो कि सेमीफाइनल का मैच है कभी भी किसी भी शर्त इस मैच में फुट बदल सकती है किसी भी टीम के तरफ से गोल जरूर देखने को मिलेगी अगर गोल देखने को मिलेगी तो सबसे बड़ा जवाब मैच मानी जाएगी और इस समय गेंद अपने अंदर अपने साथी के आने के लिए पास लेकिन मुख्य डिफेंडर काफी उच्ची लंबे गति के डिफेंडर है इस समय गोलकीपर को गोल किए और गोलकीपर ने आगे आकर गेंद फेंक करने के बाद और की थ्रोइंग कर दी है गेंद इस समय राठी पास के लिए और फोर गेंद निकलते हैं फोर ने राइट फुट के लेफ्ट फुट के जरिए अपना साथी के आने ये डिफेंस के लिए निकालने की परिवार से लेकिन गेंद चीनने में सच्चा पर एक बार फेंकता फोर्स के पैर में गेंद 10 नंबर बिल्कुल तेजी तलार खिला रहे प्रसाद एक नौ नंबर के लिए और नौ नंबर बिल्कुल इस समय लेफ्ट टो से कमल करने की कोशिश लेकिन यहाँ पर पूरा एक बार 11 नंबर रक्षा पाती गेंद को क्लियर करते हुए मोर्स ग्रुप को बीचापुर के टीम और यहाँ पर गेंद उछाल पर दिए गेंद और इस समय गेंद शायद यहाँ पर गेंद पार नहीं हुई थी और असालक में उनको सरल ले उनको पता चले कि गेंद पार नहीं हुई थी और यहाँ पर अच्छी डिसीजन और इस समय फ्रिकी करने का मौका मुख्य डिफेंडर नहीं गोलकीपर के द्वारा और यहाँ पर इशाफुर के पैर में नहीं बिल्कुल यहाँ पर देखकर रोल्स के पैर में गेंद और चार नंबर के निकालते हुए लक्ष्यों से कर्मा करेंगे अच्छी क्रॉस लेकिन गोल देखने को मिलेगी और 10 नंबर पूरी तरीके से उछाल कर रहे थे लेकिन उनके उनके हेलमेट के संपर्क नहीं हुई अभी भी 17 नंबर ड्रिबलिंग करने की कोशिश अभी भी कायम रखे हैं अपने पैर में और 6 नंबर के साथ ही करके रोड़ने के प्रयास और 17 नंबर 2 नंबर के लिए साझेदारी और यह प्रकार अमर रहते हुए बिल्कुल इच्छा पूर्ण के लिए क्या गोल देखने को मिली थी इस मैच में ये पूरी तरीके से जीत को एफए फाइनल में अपना कदम रख चुकी है वो टीम है चरण ब्रदर चरण ब्रदर के टीम कप्तान से मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपना साथी करी को पूर्ण रूप से रेडी अवस्था में रखेंगे ये मैच समाप्त जैसे होती है वैसे ही आप अपना साथी करी के साथ मैदान में इन हो जाएंगे चार नंबर के पैर देखिए चार नंबर बिल्कुल छापुर की टीम अपना साथी के लिए राइट स्कोर के लिए राइट स्कोर में काफी लंबे चिकित्सक के पास चेस्ट ऑन करने के बाद अभी भी अपने दोष में लिए थे लेकिन रक्षा पंक्ति छपे छीन की दीवार की बात इनको तैयार तैनात की गई है इस संभ्रमूल के नियम को ताप ये 12 नंबर के ताप ये खोल कर गए हैं जो कि फॉल करार का संकेत मुख्य रेफरी आकाश फूर्ति जी के द्वारा यहाँ पर गेंद फड़ा एक बार 17 नंबर के पैर में 17 नंबर क्या करेंगे इस समय देखकर फूल धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हुए 10 नंबर के लिए मौका बनाए लेकिन ये खूबसूरत नंबर देखकर रोज के लिए खूबसूरत चांस लेकिन अभी भी बनी हुई है कोनार किक जो कि कोनार किक फुटबॉल की दुनिया में आधा गोल के नाम से सुना रहे हैं और आधा गोल को क्या फोन गोल में तब्दील करेंगे लेकिन नहीं यहाँ पर अच्छी हेवन के साथ सफाई के साथ खेले हैं गेंद को गेंद और उत्तर करेंगे इस समय और उत्तर करने के बाद 6 नंबर परचेस में लगी और थोड़ा एक बार उत्तर करने का मौका मिलेगा इच्छा फोर में बिग द रोल्स के टीम प्लेयरों को और बिग द रोल्स के द्वारा ये ग्रथ पास और उन्हीं के ग्रथ पास के जरिए
उनके द्वारा भी गलत पास देखने को मिलता है। इस समय बिल्कुल यहाँ पर साझेदारी फनप नहीं रही है, अगर साझेदारी फनपती है तो तोड़ने में उनके प्रतिद्वंदी टीम पूरी तरह से उनके खिलाफ खड़ी उतरती है। और सत्र नंबर बिल्कुल नशारा देखने को मिलता हुआ, ये तो पूरी खुला चलती करते हुए फॉल कर गए हैं। 17 नंबर एक ऐसा खिलाड़ी है, ये अगर एक भी चांस मिले तो ये कभी भी किसी भी चल दिए, अगर थोड़ी सी भी चांस मिल जाए तो ये सीधा गोल में तब्दीली करने वाले प्लेयर जो कि 17 नंबर लगातार भी काउंटर अटैक करने के लिए निकल पा रही है। और इस समय बिल्कुल दैदी की मामला हो सकती है, इस समय गोलकीपर की बात की जाए तो गोलकीपर एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने अपने एरिया में पूरी शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां तक माना जाता है फुटबॉल की दुनिया में गोलकीपर का आम किरदार देखने को मिलती है। अगर गोलकीपर के द्वारा थोड़ी सी भी छूट अगर देखने को मिले तो अपना टीम के लिए थोड़ी खतरा साबित हो सकती है। और यहाँ पर छोटे गति गोलकीपर कमाल के यहाँ पर गोलकीपर का अलावा डिस्कस किए हुए हैं अभी तक, और 17 नंबर पूरी तरीके से ट्रिपलिंग करने की कोशिश चिखाने के प्रयास, लेकिन अच्छी कवर के जरिए गेंद को छीनने में सक्षम हिचा ठोर और संकेत जो कि जो है अगर यहाँ पर गोल होती है तो कहीं तेजी से चले करी होगी, और ये मौका बनी हुई थी लेकिन यहाँ पर हेडी के जरिए गोल फोर्स ने डालने के पर यहाँ से लेकर असफल, और ये दो नंबर के द्वारा वो शफर की तरफ से, और यहाँ पर फ्री किक करने के बाद लेजी फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। और बिल्कुल अपने अंदाज अपने साथी के लिए विश्वास हेल्ड पर जाता कराई, और गेंद रखने के बाद गेंद को दो नंबर के लिए निकालते हुए दो नंबर ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए सेंटर फोर में गेंद को देखा फिर तो अपने साथी खिलाड़ी के फोर एक ने अपना सुट आउट निकाल लगे पर यहां और फ्री किक करेंगे। इस समय मुख्य डिफेंडर और छह नंबर के पैर में छह नंबर अच्छी हेडर के साथ अपना साथी के लिए छह सात नंबर आठ नंबर के लिए साझेदार है, लेकिन आठ नंबर छह नंबर सात नंबर के लिए साझेदार है। यहाँ पर थोड़ा एक बार फ्री किक करने का मौका मिलेगा, देखा रूस के डिफेंडर छोटे गए गोलकीपर ने यहाँ पर गेंद को छिटो कर दी है, और गेंद छिटो से बाद ध्यान देंगे इस खेल के बाद जो मैच होंगे, इस मैच में जब टीम विनर होती है वो मैदान के अंदर बैठे रहेंगे, और उनका गेस्ट टीम ध्यान देंगे जो फाइनल में पहला कदम रखी है वो टीम है चरण बरदर। आप टीम कप्तान टीम प्लेयरों से निवेदन रहेगा कि आप अपना साथी के लिए पूर्ण रूप से रेडियो अवस्था में रखेंगे, तो कहने के मैं चलता हूँ अग्रवाल के साथ मनोज कुमार जी। आइए अग्रवाल के साथ मनोज जी, आपको अपना पिताजी खोज रहे हैं और आप पंडाल के पीछे चले जाइए, नारायण सवैया जो छोटा कोटा के रहने वाले हैं भाई आप पंडाल के पीछे चले जाइए, और इन दोनों के बीच ये मैच जो चलता हुआ ये सेकेंड हाफ का ये मैच है, बड़ी मुश्किल लग रहा है दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को यहां पे जरूर कि आप इसके बाद वाले मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे।
मेरी आपसे विनती है कि आप जो आगामी खेल जो आज का फाइनल के रूप में आप दर्ज हो चुके हैं और आप काफी हर्षोल्लास के साथ जो है हमारे इस मेडिकल जोन में चले आएंगे और आप ही प्रतिद्वंदी टीम के रूप में फिलहाल अब तक इनके बीच जो है कांटे का टक्कर चल रहा है मैदान में और डटकर सामना कर रहे हैं दोनों ही टीम। जो एक ओर मनीष ग्रुप इच्छापुर की टीम है तो दूसरी ओर आपका ब्रेक द रूल्स जूते हाथ में जो अपने पहलू पे खड़ा खड़े उतरने के लिए जुबेर दारुज की टीम मैदान को त्रिछोर में सब अपना जगह को बना ली है और दक्षिणी दिशा में ये आपका इच्छापुर की टीम है। बहुत ही यहां पे लाजवाब पारी के साथ दोनों ही टीम जो है मैदान में खेलती हुई और अभी तक अगर हम यहां पे देखते हैं दोनों ही टीमों की खेल विवरण की तो 0-0 के ही यहां पर रास्ता जो है बना हुआ है और हमारे इन दो टीमों के खेलों का जो संचालन करते हुए दिख रहे हैं मिस्टर आकाश मूर्ति जी और उनके माध्यम से भी नाजा नकब गुजरेगी वो पूरा पूरा जो है अपने नयन को इन खिलाड़ियों पे खिलाड़ियों के ऊपर जो है वो कभी गेंद जो है मैदान के उत्तरी दिशा के गोलपोस्ट में जा रही है तो कभी गेंद जो है मैदान के दक्षिणी दिशा के गोलपोस्ट में जा रही है। गेंद को एक अच्छा जो है मोमेंट का क्रियाशील के रूप में बनाना ये दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के फिकरत में है। मौके के रूप में एक गोल मिलता हुआ नजर आएगा मिलने के लिए प्राप्त करने के लिए इनकी जो फासला दिख रहा है यानी कि अपनी एक के पास डटे हुए हैं मैदान में क्योंकि चैंपियन टीम के रूप में आज यहां पे दर्ज होगी और यहां पे जो टीम खेल रही है वो बेकरार है बेताब है और सम्मिलित होने के लिए इनके माध्यम से जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। चरण ब्रदर्स की टीम से मेरी अनुरोध है कि भाई आप लगभग तैयारी हालत में रहेंगे इन दोनों टीमों को खेल का संचालन समाप्ति की ओर भाग रही है और ऐसे में आप आज के समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन के हैसियत से आप अपना जो है यहां पे बखूबी तरीकों से प्रदर्शित करने हेतु ये मैदान आपके लिए दमन थमेगी। जोरदार यहां पे शूट किया गया है हेडर के जरिए हमारे रघुबुल्लो जी पास देने के फिराक में थे लेकिन एडजस्टमेंट हुई है यहां पे रूस की टीम को और इस गेंद को शॉट लेने के लिए तैयार है हमारे इच्छापुर के टीम के खिलाड़ी और ये गेंद जाता हुआ कीपर की शानदार बचाव यहां पे तारीफ जितनी भी की जाए इस गोलकीपर की हमारे उतनी ही कम होगी मैदान के पश्चिमी दिशा के कचलाइन के इर्द गिर्द और वहां पे समय को मिलता हुआ शंकर शत्रु
और अच्छी भूमिका निभाते हैं रघु मुर्मू जी, उनके द्वारा नजदीकी साथी खिलाड़ी को पास दिया गया और अब तक उन्हीं के टीम के कब्जे में ये गेंद सुंदर से ड्रिलिंग, लेकिन घात लगाए बैठे पहले से ही डिफेंडर इस मौके को क्लास रहे थे और ईंट का जवाब पत्थर से देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हुए नजर आए। मैदान की दूसरी दिशा से गिरते पत्ते हुए उनके माध्यम से उनकी जो शरीरिक दक्षता है उन्होंने पूरा पूरा लाभ लिया हमारे इचापुर के ये राजेश वांड्रा इन बक्स में।